पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी ऑब्जर्व की गई है, स्केल भी ऑब्जर्व की है और कई जगह पे हेल की भी रिपोर्ट मिली है मीडिया से। अगर बात करें चीफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल की, देनकरा के भुवन में 58 मिलीमीटर की वर्षा दर्ज की गई। हाईएस्ट टेम्परेचर बारीपदा का 39.4 डिग्री दर्ज किया गया, भुवनेश्वर 7.5 और कटक का 7.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना है, अगर हम बात करें आज की, तो आज कोस्टल डिस्ट्रिक्ट और हमारे जो इंटीरियर उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल के पास आ रहे हैं, 1 डिग्री तक बिलो नॉर्मल है। और जो हमारा नॉर्थ उड़ीसा है वहां पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल अभी भी टेम्परेचर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यह बढ़ने की संभावना है। अगर बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर 24 चेंज की, तो संबलपुर में सबसे अधिक -1.8 डिग्री चेंज देखा गया है, भुवनेश्वर में +0.4 डिग्री का चेंज देखा गया है, कटक में 0.7 डिग्री का चेंज देखा गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी वेदर सिस्टम, सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन जो लोअर लेवल विंड जो समुद्र से आ रही है और अपर लेवल की विंड जो सपोर्ट कर रही है, जो 500-700 हेक्टोपास्कल जो 3 किलोमीटर के आसपास विंड है, वो सूखी शुष्क हवाएं आ रही है, जिसके प्रभाव की वजह से आने वाले 3 दिन तक उड़ीसा में वेदर बना रहेगा। अब बात करते हैं 5 डेज फोरकास्ट की, तो रेनफॉल में बात करें तो कुछ जगह जैसे कि मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकनाथ, केवंझर, कंधमाल, गजपति, रायगढ़, कोरापुट में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, और बाकी जो रेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार डे 1 में वार्निंग भी गई है, जैसे कि ये जो आप येलो रीजन देख रहे हैं, मयूरभंज, बालासोर, केवंझर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कटक, ढेंकनाथ, नयागढ़, खुर्दा, पुरी, गंजम, गजपति, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस पे थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग होने की संभावना है और गस्टी सरफेस विंड जो कि 40 से 50 के एमपीएच नीचे होने की संभावना है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डे 2 यानी कि 10 तारीख को भी कोस्टल उड़ीसा और उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट लगेगा मयूरभंज, केवंझर, ढेंकनाल, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, जहाँ 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 10 तारीख को भी येलो वार्निंग दी गई है, जिसमें सिर्फ 1-2 स्थान पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है, जिसमें मयूरभंज, केवंझर, कंधमाल, गजपति, रायगढ़, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। डे 3 यानी कि 11 तारीख को भी 1-2 स्थान पर उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है मयूरभंज, केवंझर, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर और मलकानगिरी। हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट की, तो अगले 2-3 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर में ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो तापमान है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने की संभावना है।